रामायण में कई रोचक प्रसंग सुनाए गए हैं। इनमें से एक है सीता माता से जुड़ा वो किस्सा, जिनमें माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती थी। रावण बार बार आता, सीता जी को धमकाता, डराता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिशें की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार जब अपने शयन कक्ष में पहुँचा तो उसकी पत्नी मंदोदरी, जो पहले से सब कुछ जानती थी, बोली, या आपने तो राम का वेश धरा था, फिर क्या हुआ? रावण पर कोई जवाब नहीं बना, पर जवाब तो देना था। उसने कहा कि जब मैं राम का रूप लेके सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ पाया था, फिर रावण भी कैसे समझ पाता? लेकिन रावण इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। उसने फिर भी माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वो सीता माता से आकर बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठा के उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आँखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। शायद वो मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह करके वो अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में उनका आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ था और उत्सव मनाया गया था। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य भी छिपा था। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसनी शुरू की कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले ये प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा तो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोच लिया कि चलो अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ये सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाने के बाद उन्होंने सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना कि आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वो शांत रही। तो यही था माता सीता से जुड़े तिनके का रहस्य। आपको हमारा ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा।